सो यहाँ ये बहुत ही घरेलू सा ड्रामा है और इससे हर कोई रिलेट कर सकता है, घर की कहानी है। वैसे कहते हैं ना कि सास बहू के झगड़े एक सर्टन क्लास में होते हैं। नहीं, आई थिंक जो सास बहू के झगड़े हैं वो क्लासलेस होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बात पे हो सकता है, तो आई थिंक वो एक न्यूट्रल चीज है जो कहीं भी हो सकती है। बट अगेन ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा, आप नोट करें, बहुत सारे लोग होते हैं बड़े आर्टी ड्रामे भी कर लेते हैं, बड़े क्लासी ड्रामे भी कर लेते हैं, ये वाला पेंटर बने हुए हैं, मगर आई डोंट नो पब्लिक को इस तरह के ड्रामे देखने हैं, इसलिए हम बनाते भी हैं और आप लोग एक्ट भी करते हैं। इसमें पता है अच्छी बात ये कि बिकॉज राइटर ने तो उसमें मेंशन किया हुआ था एक जो बेस लाइन है उसकी, यू नो कि अब वो रिवील होगा, आई डोंट नो इफ वी कैन टेल दैट। देखो जो प्रोमो में नजर आ रहा है ना, बेसिकली कुछ नहीं बताना, बट ये कि मुसद्दिक रियली स्ट्रेस्ड ऑन अ फ्यू फैक्टर्स जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगे, लाइक वो फूड फॉर थॉट देगा डेफिनेटली टू द ऑडियंस। तो इस के इस कमर्शियल एस्पेक्ट के थ्रू मुसद्दिक ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हैं। डेफिनेटली बड़ा अच्छा मतलब कि उसको सोच समझ के जो है शूट किया, शूट पर अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट बहुत फिल्मी लग रहा है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव से शूट किया, एंड इट लुक्स लाइक नहीं लगेगा, एंड इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न, लाइक वो इट लुक्स लाइक कि वो सास बहू का ड्रामा, बट देयर इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी टू इट, वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट। ओके ओके।